आज जो है अपना ये सारा सेटअप स्टार्ट करते हैं अपने बारबेक्यू के लिए। ये सामने लोग फुल बारबेक्यू का सेटअप लगा हुआ है, अपने बारबेक्यू कर रहे हैं। उस तरफ आगे वहाँ झूले वूले हैं बच्चों के, तो हम भी अभी अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं, सामान वामान लाते हैं, क्योंकि गाड़ी हमें जो है वो काफ़ी पीछे पार्क करनी पड़ी है, क्योंकि बहुत रश है आज यहाँ पर, बहुत हद से ज़्यादा रश है। गाड़ी तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे हमारी पार्क हुई हुई है। तो अब खाली हम अभी कैंप वगैरह ले आए थे, चेयर ले आए थे, अब यहाँ पर ये कैंप तो लगा दिया, अब नीचे से जाके सारा सामान वामान अपना लेके आते हैं। अच्छा, ये चिकन हमने वहाँ पर जहाँ से चिकन ली है हमने फ्रेश, वहाँ से भी धुलवा ली थी, और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद भी हम अच्छे से वॉश कर रहे हैं। अब इसके बाद उसको यहाँ मसाला लगाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:10, 1.5 घंटा मसाला लगाएंगे और चाय वाय बनाते हैं फिर, और फिर उसके बाद जो है ये अपना बारबेक्यू का सेटअप स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो दोस्तों ये हमारी चिकन हो गई है मैरिनेट, इसको हम थोड़ी देर छोड़ते हैं। और ये सारा, ये देखें ये सारा माहौल है। अभी तो रात में आपको ये पहाड़ वहाड़ दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन बहुत ही रश है। तो देखें सब ये फैमिलीज़ वगैरह, अरबी, पाकिस्तानी, इंडियन वगैरह काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये ऊपर भी पहाड़ है, अभी हम लोग रात स्टे यहीं करेंगे, तो सुबह में आपको दिखाते हैं। और ये हमारा लगा हुआ है कैंप। हाँ भाई, हमजा भाई पहुँच गए वादी चौका, और ये क्या चिप्स का और कोल्ड ड्रिंक का माहौल चल रहा है जी। तो अभी बारबेक्यू कब स्टार्ट करना है? थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी चिकन मैरिनेट करी है हमने। हाँ ठीक है, आप इंजॉय कीजिए। और ये, हाँ भाई हुमैर भाई मेरे बेटे, शहजादे चिप्स खा रहे हो? हाँ, तो दोस्तों ये हमारा रिफ्रेशमेंट का थोड़ा टाइम चल रहा है इस वक्त। अभी चिकन में तो बारबेक्यू बनाने में तो टाइम है, तो ये बिस्किट है हमारे, सनिया आपकी दोस्त ने दिए थे ये जी, अमेरिकाना के बटर कुकीज, बहुत ही स्पेशल बिस्किट्स होते हैं ये, तो टेस्ट करते हैं। वैसे तो टेस्ट किया हुआ है, बहुत आला टेस्ट होता है इनका, एज यूजुअल वीआईपी टेस्ट है। पूरा बैग है कोयलों का। हाँ, तो दोस्तों ये भुट्टों का माहौल स्टार्ट हो गया है, भुट्टे भुट्टे बच्चे लगा रहे हैं, कोयले हमारे गर्म होते जा रहे हैं। अभी चिकन को भी मसाला लगा हुआ है, चिकन वो सामने रखी हुई हमारी मैरिनेट हुई हुई, और ये भुट्टों का दौर स्टार्ट हो गया है। हाँ भाई, बच्चा पार्टी जी। भुट्टे लगा रहे हैं जी। अच्छा, भुट्टा हमारा बन गया, बहुत ही मीठा, बहुत बेहतरीन बना है। वीआईपी, गरम गरम, मीठा मीठा, बहुत बेहतरीन। हाँ, तो दोस्तों ये हम अपने पहले, सबसे पहले जो है वो लेग पीस लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और लेग पीस की जगह बनती है, एक और आ जाएगा। चलिए इधर दिखाइए, ये आ गया एक और पीस। हाँ, तो दोस्तों ये हमारी चिकन लग गई, सनिया दिखाइए इधर, इधर चिकन लग गई हमारी, अभी स्टार्ट करी हमने ये 8:10 पे मैरिनेट करा था इसको, और अभी हो रहा है 9:45 पे हमने पकाना शुरू किया। सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और हमने एक साइड पलटी है, तो अच्छा खासा माशाल्लाह कुक हो रहा है, क्योंकि कोयले हमने अच्छे खासे डाले हैं और पूरे दहक गए कोयले। तो देखें अभी हाफ कुक है, सेकंड दूसरी तरफ से पकाएंगे, और इधर थोड़ी ऑयलिंग करेंगे हम, फिर उसके बाद दोबारा पलटेंगे। थोड़ा मसाला लगाएंगे, और क्योंकि हमारे बाउल में सनी है, इधर दिखाइए बाउल में मसाला अच्छा खासा है। मसाला लगाने के बाद इसको दोबारा पलट देंगे।
आ गया रायता। रायते में जो है ना हमने थोड़ा मिर्चें कम ही रखी हैं। और ये आ गया हमारा चेस्ट पीस चिकन का। बिस्मिल्लाह करते हैं। चिकन तो वैसे माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन लग रही है और सॉफ्ट भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह टेस्ट बेहतरीन है, बिल्कुल ही सॉफ्ट और जूसी बनी है, बिल्कुल हल्के अंगारों पर माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनी है, अल्लाह का शुक्र। और अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ जो है वो तो लगती भी बेहतरीन है, गुड है। हाँ तो दोस्तों हमारा ये क्रिस्पी और जूसी एग पीस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत गर्म वीआईपी, मज़ा आ गया। अच्छा दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाने पीने का सेटअप हो गया सारा, और ये अभी चाय रख दी है पकने के लिए। ये चाय हमारी पकती है तो खाने के बाद की चाय भी इंजॉय करते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों अपना रात का सोने का सेटअप हो गया है, ये अपनी चटाई बिछी हुई है और ये अंदर हमारा कैंप लगा हुआ है, और कैंप में हमने ये डबल ब्लैंकेट बिछा लिए हैं नीचे, और ये तकिए शकिए सब लगे हुए हैं। तो सब हम लोग फैमिली जो है अंदर ही आ जाएंगे इंशाल्लाह, और ठंडक हो रही है काफ़ी तो कंबलों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये रात का पूरा माहौल है, देखिए काफ़ी कैंप लगे हुए हैं। अभी मैं सुबह वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह तो आपको नज़र आएंगे, अभी रात में तो इतना पता नहीं चल रहा, ये सामने भी लोग बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह वादी है शौका में, ये सारा माहौल है माशाल्लाह। ये हमारा पीछे कैंप लगा हुआ है, 6:00 आई थिंक 50 मिनट हो रहे होंगे इस टाइम पर, और सब सो रहे हैं, कुछ लोग उठे हुए भी हैं, और ये पूरा वादी है, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। रात में नींद भी बहुत अच्छी आई, और ये सारा माहौल है। आप भाई शेदर भाई, मज़ा आया आपको रात में कैंपिंग करने में? जी। अच्छा लगा आपको? जी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में ये कैंपिंग हुई हुई है, और ये खड़े हुए हैं खेदर भाई, और यहाँ वॉशरूम भी जगह जगह बहुत बने हुए, ये सामने भी वॉशरूम है, आगे भी वॉशरूम है, तो वॉशरूम वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए रात में ये सब लोगों ने कैंपिंग वगैरह की है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत वादी, पहाड़ों पे चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में ये जगह बनी हुई है। हाँ तो दोस्तों ये सारा डैम का व्यू है, रात में हमने यहाँ पर नीचे स्टे किया था, और अभी ये रैंप बना हुआ है, रैंप में ऊपर आए हैं, तो ये सारा डैम है यहाँ पर, और सामने ये पहाड़ियाँ वगैरह। अच्छा पहाड़ी में ये सामने एक आपको ट्रैक भी दिख रहा होगा, ये सामने ट्रैक दिख रहा है, तो ये पहाड़ी पर ऊपर जाने का भी ट्रैक है, लोग जाते हैं वहाँ पर, लेकिन हमारे साथ बच्चे वगैरह हैं तो हम इतना ट्रैकिंग वगैरह करेंगे नहीं। सही, नीचे सारे कैंप वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारा भी कैंप लगा हुआ है रात में, नीचे हमने यहीं पर स्टे किया इस जगह पे, और गाड़ियाँ देखें यहाँ तक आई हुई हैं रात में, और ये सारा डैम का व्यू है, ये सारा व्यू है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। धुंध हुई हुई है काफ़ी अभी यहाँ पर, और ठंडक भी बहुत है, तो अभी मैंने अपर भी पहन लिया है, और ये देखें ऊपर ऊपर भी लोग गए हुए, अभी यहाँ पर भी जाते हैं हम, इस एरिया में भी गए हुए लोग जाते हैं अभी यहाँ पर, और ये सारा व्यू है माशाल्लाह डैम का, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें ये सारे यहाँ पर इन्होंने बैरियर लगा के बंद किए हुए हैं, और ये डैम जो आ रहा ना ये पीछे से, काफ़ी पीछे से बहुत बड़े एरिया पर है ये डैम, और ये देखें ये ट्रैक है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, ऊपर पहाड़ और ये ट्रैक पीछे से आ रहा है, हम भी अभी यहीं से आए, और अभी सूरज भी निकल आया पहाड़, हम जहाँ पर थे उधर सूरज नहीं आ रहा था क्योंकि पहाड़ों के चारों तरफ से घिरा हुआ था, अभी इस पोर्शन में आया तो यहाँ पर पहाड़ में से सूरज निकलते हुए नज़र आ रहा है, और ये खड़े हुए उमेर भाई। उमेर भाई तो ये ट्रैक से हम ऊपर आए हैं, और ये सारे नज़ारे हैं यहाँ पर,
पीछे डैम, अभी नीचे गए थे हम डैम पर, तो ये जा रहे हैं ऊपर। बहुत ही स्टीप जो है ना, बहुत ही स्टीप किस्म का ये चढ़ाई है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी ऊपर जाने के लिए, लेकिन जाते हैं क्योंकि वहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत होगा। ये ऊपर आए हैं हम लोग, अभी इतना ऊपर तो नहीं आए, मिड में आए, तो ये सारा नज़ारा है यहाँ पर। ये डैम है, डैम में लोग यहाँ नीचे भी गए हुए हैं इस एरिया में, और ये पहाड़ है, और ये कैंपिंग हमने यहाँ पर, ये देखें हमारा कैंप ये लगा हुआ है। रात में यहाँ कैंपिंग करी थी, और रात में ये देखें काफ़ी कैंप यहाँ से दिख रहे होंगे आपको लगे हुए। ये सारा व्यू है, लोग नीचे भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर अभी खड़े हुए थे हम लोग थोड़ी देर पहले, और ये नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह।